रमेश और सुनैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं। रमेश जो कि कपड़े का अच्छा व्यापारी है, वही सुनैना एक फैशन डिजाइनर है। दोनों एक साथ 10वीं से 12वीं तक साथ पढ़े, पर उसमें वह सिर्फ दोस्त थे। स्कूल के बाद पढ़ने के लिए रमेश शहर आ गया अपने मामा के पास, जो कि एक कपड़ा व्यापारी हैं। रमेश भी उनके साथ व्यापार के गुर सीखने लग गया और सुनैना फैशन डिजाइनिंग करने लगी। कुछ सालों बाद जब सुनैना शहर गई काम के सिलसिले में, तो अच्छा कपड़ा ढूंढते ढूंढते वह रमेश से मिली। पुरानी बातें ताज़ा हुई और ऐसे ही वो मिलने लगे। रमेश भी सुनैना की बहुत हेल्प करता, दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। कब यह प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। एक दिन काजा, जो सुनैना की मौसी की लड़की है, सुनैना से मिलने आती है। सुनैना उसे कहती है, चलो तुम्हें तुम्हारे होने वाले जीजा से मिलवाती हूँ। दोनों रमेश से मिलती हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिल्म देखने के बाद अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश अपने घर वालों से बात करके उन्हें सुनैना के साथ शादी के लिए मना लेता है। दोनों के परिवार मिलकर शादी तय कर देते हैं। काजल सुनैना को कहती है कि रमेश तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। लड़कियों को बहला फुसला कर उनका फ़ायदा उठाना उसका पेशा है। सुनैना को यकीन नहीं होता, वो कहती है यह बकवास है, मैं नहीं मानती। काजल कहती है कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, आखिर मैं तेरी बहन हूँ, तेरा अच्छा ही सोचूंगी। सुनैना अब सोच में पड़ गई। एक तरफ उसका मन कहे कि ये सब झूठ है, पर कहीं ना कहीं काजल की बातों ने उसके मन में शक भी पैदा कर दिया था। वो रमेश से बात करती है, रमेश उसे समझाता है कि मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा, और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए जो तुम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनैना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, किसी के बहकावे में आ गई थी। शादी का दिन आ जाता है, सारा इंतजाम बड़ा ही भव्य था। फेरों से पहले काजल मंडप में किसी लड़की को लेकर आती है और दावा करती है कि रमेश ने इस लड़की की ज़िंदगी खराब की है। सारे बाराती इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि रमेश सुनैना के साथ ऐसा कर सकता है। उधर वो लड़की जिसे काजल लेकर आई थी, वो कहती है कि मेरी और रमेश की शादी हो चुकी है, हमारा एक बेटा भी है। तभी आवाज़ आती है, रुक जाओ काजल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या हो गया है तुम्हें। विजय सभी को बताता है कि काजल झूठ बोल रही है। तभी काजल के पापा भी वहां आकर कहते हैं, काजल क्या ड्रामा है ये, कौन है ये लड़का और क्या तुम झूठ बोल रही हो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। विजय कहता है, अंकल काजल पहले मुझसे प्यार करती थी, फिर वो मुझसे ये कह के अलग हो गई कि वो अब किसी और से प्यार करती है। तभी वो लड़की जिसे काजल साथ लाई थी भागने लगती है। विजय उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सच बोल दे वरना जेल में सड़ेगी। वो रोते हुए कहती है, साहब मुझे तो ये मैडम जिसको आप काजल कह रहे हैं यहाँ 10,000 में शादी तुड़वाने के लिए लाई है। सुनैना को विश्वास नहीं होता कि काजल उसके साथ ऐसा कर सकती है। तभी काजल के पापा उसे एक तमाचा लगाते हुए कहते हैं, पता क्या हो रहा है ये सब। तभी काजल कहती है कि वो रमेश से प्यार करती है और ये सब उसे पाने के लिए कर रही है। वो सुनैना के पहले से रमेश से प्यार करती है, बस उसे पता नहीं पाई जब
सुनैना मुझे रमेश को मेरा जीजा बताकर मिलवाने लगी। तभी से मैं उसे अलग करने का सोचने लगी। तभी सुनैना कहती है कि मेरी बहन तुम ये सब क्या करने जा रही थी, प्यार दोनों को एक दूसरे से होना चाहिए, जो तुम कर रही हो उसे एक तरफा प्यार कहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं।